गोलियों में भी इन्फेक्शन हो सकता है जैसे निमोनिया होता है छाती का सबसे कॉमन कॉज टेस्टिकुलर पेन का है इन्फेक्शन होगा तो टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाएगा बहुत तेज़ पेन होगा सूजन आ जाएगी बुखार तक आ सकता है मरीज को छः घंटे के अंदर अंदर गोली को वापस घुमाना ज़रूरी है अगर नहीं घूमती है तो गोली मर जाती है गोली मर जाएगी तो आपके अंदर के काउंट और आपके अंदर के हार्मोन दोनों खत्म हो जाएंगे तो मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलिस्ट इंडिया का टॉप मैनज हेल्थ स्पेशलिस्ट मैं एक एम बी बी एस एम एस एम सी एच यूरोजिस्ट हूँ फोर्टीन ईयर्स का एक्सपीरियंस है पाँच से सात साल से मरीजों को ठीक कर रहे हैं और अगर आपको मेल सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है चाहे वो एक्टाइल डिसफंक्शन हो चाहे वो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो बच्चे ना हो रहे हो टेस्टिस में पेन हो गोलियों में दर्द हो आपके लिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पर पक्का साइंटिफिक इलाज मिलेगा तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहला सबसे कॉमन कॉज टेस्टिकुलर पेन का है वेरिकोसील टेस्टिस में ब्लड सप्लाई होती है एक आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है और एक वेन होती है जो ब्लड लेके जाती है अगर इन वेन के वॉल्व खराब हो जाए वेन में सूजन आ जाए और ये खून वापस ना जा पाए तो उसको वेरिकोसील बोलते हैं वेरिकोसील नॉर्मली यंग लड़कों में डेवलप होता है एक स्लो ग्रोइंग प्रॉब्लम है और वेरिकोसील कैसे पहचाने वेरिकोसील का पेन नॉर्मली लेफ्ट टेस्टिस में होता है राइट में नहीं होता है पेन ड्रैगिंग मतलब एक हैवीनेस रहती है हमेशा और ये पेन नॉर्मली दिनचर्या मतलब जैसे जैसे आप दिन में काम करते जाएंगे बढ़ता चले जाता है जब टेस्टिस में हाथ लगाएंगे तो आपको नसों का गुच्छा फील होगा इसका सबसे सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड खड़े होने खड़े अवस्था में लेट के नहीं खड़े अवस्था में जो बता देगा कि वेन्स में सूजन है या नहीं है और इसकी ग्रेडिंग होती है वेरिकोसील का इलाज दवाइयों से भी है एक्सरसाइज से भी है और सर्जरी से भी है और वेरिकोसील अगर आपको है तो मेरे बेरिकोसील के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो लिंक में है जिनको आप देख सकते हैं कारण नंबर टू इन्फेक्शन गोलियों में भी इन्फेक्शन हो सकता है जैसे निमोनिया होता है छाती का जैसे बुखार आता है वैसे गोलियों के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन कर सकते हैं सबसे कॉमन दो वायरस है मम्प्स और बैक्टीरिया बैक्टीरिया नॉर्मली एस टी डी सेक्स से, से, से संबंध बनाते टाइम गलत संबंध बनाने से पेशाब के रास्ते चढ़ता है और वायरस नॉर्मली खांसी जुकाम के माध्यम से टेस्ट में चढ़ता है इन्फेक्शन होगा तो टेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा बहुत तेज पेन होगा सूजन आ जाएगी बुखार तक आ सकता है और इन्फेक्शन माइल्ड हो सकते हैं कि अपने आप ठीक हो जाए या मेजर हो सकते हैं जिसमें पस बन के गोलियाँ खराब भी हो सकती है इस डिज़ीज़ को बोलते हैं अपीडेमोर्काइटिस और आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपके टेस्ट आपका एग्जामिनेशन और आपके ब्लड टेस्ट करा के इसको कंफर्म करेगा एपिडोमोकाइटिस में हमारे देश में प्रचलन है पत्तों का लेप लगाने का सरसों का लेप लगाने का अगर आपको एपिडमोकाइटिस है इन्फेक्शन है तो इन सब चक्करों में ना पड़िए डॉक्टर को दिखाइए डॉक्टरी इलाज कराइए क्योंकि अगर ये डिजीज़ ज़्यादा दिन रह जाती है तो गोलियाँ पस बन के मुंह से निकल जाएगी तो इनका प्रॉपर इलाज कराना ज़रूरी है थर्ड टॉर्जन टॉर्जन टचेज मतलब कि आपकी जो गोली है वो घूम गई तो भगवान ने गोलियों को शरीर के बाहर रखा है पर उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो गोली का अटैचमेंट है बहुत पतला होता है जैसे अंगूर तो कई बार अगर ये गोली घूम जाए तो इसकी जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो जाता है ये क्रॉनिक की नहीं कि एक्यूट इमरजेंसी है मरीज़ को छः घंटे के अंदर अंदर गोली को वापस घुमाना ज़रूरी है अगर नहीं घूमती है तो गोली मर जाती है और गोली मर जाएगी तो आपके अंदर के स्पोन काउंट और आपके अंदर के हारमोन दोनों खत्म हो जाएंगे फोर्थ हर्निया हाइड्रोसील हर्निया हाइड्रोसील मतलब कि गोलियों के अंदर पानी उतर गया है या आंते उतर गई है गोलियाँ नॉर्मली शरीर के बाहर होती है पर एक गेट होता है जहाँ से गोली शरीर के बाहर आती है अगर ये गेट ख़राब हो जाए तो शरीर के अंदर का पानी या शरीर के अंदर की आते बाहर निकल सकती है और ये गोलियों के ऊपर कॉन्स्टेंट प्रेशर बना के रखती है जिस कारण से गोलियाँ छोटी तो होती होती है साथ में इसमें हमेशा पेन रहता है सिम्टम है कि आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको स्वेलिंग महसूस होगी रात को सोएंगे तो ये पानी चले जाता है अंदर तो थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाएगी और दिन भर में स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है कई बार टेस्टिस बहुत बड़े हो जाते हैं तो इनका भी अल्ट्रासाउंड से जांच होती है और एक छोटी सर्जरी से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और फिफ्थ ट्रॉमा हम लोग कई बार गोलियों की चोट को नज़रअंदाज कर देते हैं क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई बच्चे को संभालते हुए बच्चे का पैर लग गया कभी बैठते हुए झटका लग गया कभी मोटरसाइकिल की टंकी लग गई तो कभी भी गुम चोटे गुप चोटे टेस्टिस की नसें ख़राब करती है जिनको नर्व्स बोलते हैं और न्यूरोपैथी बन जाती है अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता पेशेंट को परेशानी है उसको दर्द रहता है पेन रहता है चलने में दिक्कत पेशाब में दिक्कत सेक्स में दिक्कत डिस्चार्ज में दिक्कत तो इन गुम चोटों को आइडेंटिफाई करके उसमें इंजेक्शन लगते हैं ताकि जो नसें खराब हुई है वो ठीक हो सके तो अगर आप टेस्टिस के पेन से परेशान हैं तो सबसे पहले अपने घर के पास किसी यूरोज को दिखाइए अगर जूरोलॉजिस्ट आपका इलाज नहीं कर पा रहे या आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आके दिखा सकते हैं सबसे पहले आपकी शारीरिक जाँच होगी टेस्ट को देखा जाएगा कोई सेस्ट कोई ट्यूमर कोई गांठ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कंफर्म करेंगे फिर इसका होगा अल्ट्रासाउंड आपके सीमन का टेस्ट आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स और आपकी शारीरिक संरचना और उसके बेसिस पे आपको सही इलाज ऑफ़र किया जाएगा जिससे आप हो सकता है बिना सर्जरी के चंद दवाइयों से कम्प्लीटली ठीक हो जाए तो आपके लाडलों का रखना ख्याल ये है आपकी ज़िम्मेवारी क्योंकि आपके लाडले अगर अच्छे रहेंगे तो आप फर्टाइल रहेंगे स्ट्रॉन्ग रहेंगे और पोटेंट रहेंगे टेस्टिस पेन किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेन्स हेल्थ की ऐसी अच्छी बातें हमेशा पता चलती रहे थैंक यू सो मच